सन 2008 से होता रहा है सैन्य का प्रभाव और हमारा मकसद इसमें करबला के शहीदों को इरादे अधीनत श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हमारा हर मकसद है आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना, इंसान को इंसान से करीब लाना, इंसान में जो जानवरों की झगड़ा पर होती है उसको खत्म करना, हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी बौद्ध सिख ईसाई सब अल्लाह के बंदे हैं और हम हिंदुओं के कम से कम आदम के औलाद हैं जहाँ तक हम सब आपस में हैं।
मैं उनके घर की फजीलत बयान कैसे करूं, मैं उनके घर की फजीलत बयान कैसे करूं, जहां पर गई तुम गुजर जा
Hey.
Yeah.
पिला गए रसूल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है।
आवाजी लाइन पर 70 मरतबा तूल दे रहे हैं धरने को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में सवार पहुंच गए, मिंबर पर रसूल है, गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाकर कहते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हूं हुसैन से। रसूल बयान कर रहे हैं क्या रसूल की शहादत इस्लाम में सबसे बड़ी शहादत मानी जाएगी या नहीं? उससे बढ़कर उससे आगे बढ़े आप। ख्वाजा करीम नवाज कहते हैं तीन अस्त हुसैन भी बना अस्त हुसैन दरदार दरदार दस्त दर दस्ते अजीज अका के बिना लाएगा अस्त हुसैन। अपने जमाने की सबसे बेहतरीन शायरी साझा कर रहे हैं और वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में। ये अजमत हो अब इनसे बढ़कर क्या अजमत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि हर वक्त पे अल्लाह ने उनको बुलंदी दी, वक्त वक्त पर पहचानवाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। तो हम और आप ये जिक्र अजमत जिक्र हुसैन जो कर रहे हैं वो तो एक समंदर को कूदे में समेटने के बराबर है। हम कुछ भी बयान नहीं कर सकते, हम तो एक फकीर हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। अजमतें बयान हो चुकी, मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम बताया जा चुका है। हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहने की कोशिश की है, पेशे खिदमत है कि मैं मोहम्मद का लवासा हूं हुसैन इब्ने अली, मैं मोहम्मद का नवासा हूं हुसैन इब्ने अली, मेरी माँ फातिमा जहरा मेरा बाबा है अली। मैं मोहम्मद का नवासा हूं हुसैन इब्ने अली, मेरी माँ फातिमा जहरा मेरा बाबा है अली। मेरे नाना ने मदीने में यह मिंबर से कहा हुसैन मुझसे है, मैं हूं हुसैन से, ये कहा। वही नाना की वसीयत निभाने आया हूं, मैं करबला में शरीयत बचाने आया हूं। वही नाना की वसीयत निभाने आया हूँ, मैं करबला में शरीयत बचाने आया हूँ। खुदा के दीन के सरदार है मेरे नाना, खुदा के दीन के सरदार है मेरे नाना, कुल मुसलमान के सरकार है मेरे नाना, कुल मुसलमान के सरकार है मेरे नाना। मैंने सरकार के पयाम को जिंदा रखा, मैंने सरकार के पयाम को जिंदा रखा, मैंने कुरान के मकाम को जिंदा रखा। सजदे शुक्र अदा करके दरे मक्तल में मैंने नाना तेरे इस्लाम को जिंदा रखा। सजदे शुक्र अदा करके दरे मक्तल में मैंने नाना तेरे इस्लाम को जिंदा रखा, करबला में तेरे पैगाम को जिंदा रखा। मुर्शिद आपका कहना है कि इंसानियत की मुश्तरक इकदार और इखलास की मुलाकात से यह हुसैन ने इंसानियत को नकदार और अजीम कुर्बानियों के बगैर हासिल नहीं किया जा सकते। इन आला अकदार की हमेशा इंसान दुश्मन ताकतों की तरफ से मुखालफत होती रही है। हजरत इमाम हुसैन और उनके आवाम और अंसार जो मुख्तलिफ कौम कबीले रंग नस्ल से ताल्लुक रखते थे, उनकी कुर्बानियों ने साबित कर दिया कि तमाम लोग इंसानियत में एक दूसरे के बराबर हैं, किसी को किसी दूसरे पर कोई फजीलत व बरतरी नहीं। फजीलत व बरतरी का मेयार बस तक्वा है, खुदा का खौफ है और उस पर ईमान है और सबका खालिक अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इकदाम ने साबित कर दिया कि मायूसियों के अंधेरों में भी खुदा से उम्मीद की किरण जगमगाती रहती है। गुनाहगारों के सामने जालिमों जासूसों का एहसास करना चाहिए, बल्कि कामयाबी और यकीनी कामयाबी उन लोगों का नसीब है और उनकी मिल्कियत है जो खुदा के नेक बंदे हैं। अल्लाह के ये बंदे शहीद होने के बावजूद जिंदा और कामयाब हैं, फतह का चेहरा आज भी उनकी पेशानियों पर चमक रहा है। यकीनन खुदावंद आलम उन लोगों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन अज्र और सवाब अता फरमाएगा।
मैं हुसैन देव के मुनाकिद होने किए जाने पर अपनी तरफ से और अपने मिलने वालों अपने दोस्तों की तरफ से हुसैन यूनिटी मिशन के अरकान को हदीया तबलीग पेश करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه। बेटा थोड़ी देर तबर्रुक रोक दो, आखिर में इंशाल्लाह सिलसिला रहेगा, अभी लोग ताजा हैं। सिलसिले तबर्रुक खत्म नहीं किया गया है, मुलतवी किया गया है, इसलिए जो फितरत के जो तकाजे हैं उस पर हर किसी को कंट्रोल हासिल नहीं होता। हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम मौजूद तरीन मेहमानान मुकर्ररीन और वो हजरात के जो इस जंजीर को मरबूत किए हुए हैं, जो सामने आपको स्टेज पर इत्तेहाद की हुसैनी जंजीर जो नजर आ रही है, इसकी जितने अफराद कड़ियां मिला रहे हैं, और हम कर भी यही सकते हैं, हम जंजीर ही बना सकते हैं, वो रस्सी नहीं बना सकते कि जिससे वाबस्तगी पर कुदरत ने मुसलमानों को नजर को ये समझना चाहिए कि एक मुयना वक्त में गुफ्तगू है और मेरे बाद भी लोग गुफ्तगू करने वाले मौजूद हैं जो इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे। जो जितने फन से आचना न हो उसे खतीब कहना शायद खिताबत की शान में गुस्ताखी है। लिहाजा मैं आपके सामने दो चीजें मैंने इतनी बड़ी आयत इसलिए पढ़ ली कि इससे मुझे दो चीजें पेश कर ली। शरा लकुम मिनद्दीन, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अपने हबीब से कहा, हबीब से मुराद खातिमन नबी, मैं ये जानबूझकर पहले लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि बहुत से लोगों में मोहतरम नश्तर मालिकी साहब ने हुसैनी यूनिटी मिशन हम के जरिए मुझे दावत खिताब दी, और उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि खसूसी मुकर्रर, बस अब जो अलमिया है या दूसरा रुख है वो मुकर्रर खसूसी का है, यानी जनाब शबीर रिजवी साहब तशरीफ ले आए और इनके लिए कौमी नायब सदर एमसीपी दावतनामे और दूसरी जगहों पे लिखा हुआ है। लेकिन हुसैन देव में उनकी शख्सियत अगर कौमी नायब सदर की हैसियत से पहचानवाई जाए तो ये उनकी अजमत के मनाफी और खिलाफ हो जाए, इसलिए कि बेहतरीन इस्लामी स्कॉलर की भी हैसियत रखते हैं। और जाहिर है कि वी टीवी के जरिए अक्सर लोगों ने आपका खिताब भी सुना है। मैं इसलिए ये बात बड़े वसूल से कह रहा हूं इसलिए कि कोई पार्टी किसी के कद को नहीं बढ़ाती, अच्छे अफराद पार्टियों का परचम फलन कर देता है। और इसलिए मैं ऐसे अच्छे अफराद को सलाम करता हूं। अब थोड़ी देर के लिए ये मजमा जो उन्हें लाया है उन्हें छोड़ देगी, ये हुसैन देव में है, इसलिए कोई भी शख्सियत जब होती है तो उसकी सिक्योरिटी बाहर खड़ी कर दी जाती है, और फिर अगर हुसैन देव में किसी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी तो फिर हम कहीं सिक्योर नहीं रह जाएंगे। या समझ ही सकते हैं, इसलिए कि ये तो खुद जाए अमान है और इतनी बड़ी जाए अमान है कि खुद ख्वाजा अजमेरी ने कहा दी बनार तो हुसैन बशरियत तो क्या, जब दीन को अमान की तलाश होती है तो दर हुसैन पे। मैंने नहीं कहा है,
ये कलाम अभी आया है हसन साहब मुझसे पहले हाजी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का पेश कर गए, शाहत हुसैन बादशाहत हुसैन दीनत हुसैन दीपनास्त हुसैन। तो दी बना है हुसैन, बशरियत बना, इंसानियत बना, ये इंसानियत का कानून है दीन। दीन कहते हैं अरबिक में रिलीजन को, दूसरी जबानों में धर्म को। दीन के मानी ही रिलीजन के, धर्म के। उसके साथ एक वर्ड जो है वह एक्सटेंड किया जाएगा, तब कहा जाएगा दीने इस्लाम, यानी इस्लाम का कानून। कितने हैं भारत में आज, जिंदगी हम सब गुजार रहे हैं रोजाना, हम कितने कानून भारत के तोड़ते हैं, वही हालत इस्लाम के कानून के तोड़ने में हमारी। हम चाहते हैं कि कानून इस्लाम से हमारी इतनी वाबस्तगी हो जाए कि दुनिया का कोई कानून हमसे न टूटे, बल्कि बशरियत जब कहीं भी लग रही हो तो हम हुसैन इब्ने अली को याद करके उसे पानी पिला सके। मैंने एक बात कई बरस पहले यहां कही थी, आज उसे पैरा बड़ी तेजी से गुजर जाऊं, दरमियान में गुफ्तगु का सिलसिला मजबूत न रह सका। लिहाजा दीन कानून का नाम है, कानून इस्लाम। शरालकों में नदीन, मेरे हबीब जो मैंने आपको दीन से शरीयत दी है, तो अब ये शरीयत है रास्ते का नाम, जादे का नाम, जिसके जरिए मंजिल तक पहुंचा जाए। तो जाहिर है कि शरीयतें गुज़श्ता अदवार में बदली हैं। पांच शरीयतें आई हैं इस्लाम में जमाने की अकली इत्तका के एतबार से। जब जमाना अकली तरक्की कर रहा था, चलते चलते जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, ये चार मर्तबा शरीयत, वो ज्यादा वो रास्ता बदला गया। और ये तो आप हर हाईवे पर देखेंगे कि जैसे जैसे जरूरतें इंसानी बढ़ती है, पुराना ब्रिज जो है वो वहीं छोड़ दिया जाता है, एक नया तामीर कर दिया जाता है। गुजरने वाले उस ब्रिज को देखते हैं तो वो उस आधार से पता करते हैं कि इससे पहले भी यहां कुछ था। लेकिन कुरान ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को भी सिकोड़ किया, हजरत ईसा अलैहि सलाम को भी कोड किया, और कोड करके ये बताया कि जाओ पूरी दुनिया में आज कुरान हकीम की बेहुर्मती करने वाले तो अपराध मिल सकते हैं, लेकिन गिरा से गिरा मुसलमान न कभी बाइबल की बेइज्जती करता हुआ मिलेगा, न तौरात की बेइज्जती करता हुआ मिलेगा, न इंजील की बेइज्जती करता हुआ मिलेगा। उसकी वजह यह है कि कुरान में हमको ये बताया गया है कि शरीयत मुस्तफा में ये कहा गया है कि याद रखना कि खाली तुम्हें आखिरी नबी पर ईमान नहीं लाना है, वल्लज़ीन आमनु बिमा उन्ज़िला इलैका, बल्कि साहिबान ईमान को उस पर भी ईमान लाना है कि जो नबी पे नाज़िल हुआ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल का, जो आपसे पहले नाज़िल हुआ, यानी जो नबूवत से पहले चीजें नाज़िल हुई उस पर हमारा ईमान। हमारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान है, हमारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान है, उन पर आने वाली किताबों पर भी ईमान है, लेकिन अमल है शरीयत मुहम्मदिया पर। इससे यह वादे हो जाए कि आप किसी भी कानून के तहत जिंदगी गुजार रहे हो, मगर आपको यह हक नहीं पहुंचता कि किसी और कानून पर आप सर लगाएं। यही हुसैनियत सिखा रही, यही हुसैनियत बता रही। और हमारे यहां बैठे हुए आज हमारे इंडियन पुलिस सर्विसेज के अपराध भी हैं, मैं उन तक भी बड़े प्यारे अंदाज में यह पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे पैगंबर हत्मी मर्तबत ने जिनके मिशन को, जिनके कानून को, जिनके दीन को हुसैन ने करबला में बचाया दीन बनकर, उनके नाना ने कहा कि तुम जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, तुम्हारे दो किस्म के भाई हैं, एक वो जो कलमे की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद से तुम्हारे भाई हैं, और एक वो कि जो जमीन की बुनियाद पर, धरती की बुनियाद पर, मादर वतन की बुनियाद पर तुम्हारे भाई। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वहां सिखाया गया वतन की मोहब्बत ईमान है। इससे एक बात यह वादे हुई कि किसी भी मुल्क में कोई भी इंसान अगर धरती का मुखालिफ होता है तो आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन अगर निजाम का मुखालिफ है तो उसे आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। यह अलग बात है कि आज निजामों के मुखालिफीन को आतंकवादी कहकर के अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि जब तक धरती का, यह बहुत बड़ा जुमला, गुमराह समाचार के अपराधी बैठे हुए हैं, दूसरे भी पत्रकार मीडिया के, बहुत बड़ा जुमला,
कि नजरिए की मुखालिफत धरती की मुखालिफत दो अलग अलग चीजें हैं। जाहिर है कि कानून की मुखालिफत खुल्लम खुल्ला ये करने वाला क्या है, उसके लिए कौन सा कानून बन रहा है। अगर ये कहा जाए कि यजीद दहशतगर्द था तो कुछ लोग ये सोचने लगते, नहीं वो दहशतगर्द नहीं था, ये दहशतगर्द था। पूरी कुर्बानियों का स्टडीज के बाद आप जायजा लें तो इस बात का अंदाजा होगा कि उससे बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है कि जिस मुस्तफा का कानून आगे बढ़ रहा हो उसी का कलमा पढ़ के उसी के नबी के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दे और उसके बाद उसे भी रज़ी अल्लाह कहा जाए। ये इंसाफ तलब गुफ्तगू है जो हमारे लिए सोचने का मकाम है। ये और तारीख का अगर आप जायजा लेंगे तो बड़ी पीछे तक चली जाएगी। कुछ लोगों ने कह दिया दो शहजादों की जरूरत, शहजादे का मसला वहां पैदा होता है जिसकी बादशाहत साबित हो। हुसैन इब्न अली की तो शाही साबित है लेकिन जो मुकाबले में है उसकी तो गुलामी साबित है। ये गुलाम और आका के बीच जो है ये शहजादों की जंग नहीं आ सकती। बड़ी तवज्जो रहे, गुलाम और आका के बीच शहजादों की जंग नहीं आ सकती, इसलिए कि बात शहजादे की वहां होगी जहां एक तरफ से अमरीकियत और शाही चल रही हो और हुसैन इब्न अली इमामत लेके चल रहे हैं, किसी बादशाहत के शहजादे नहीं है। नबूवत ने शाही का इंकार किया। जोश मलिहाबादी हमारे यहां रिलेशन पोइट कहे जाते हैं शायर इंकलाब, उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, करबला एक तजद्दुर है वही से दौरा, करबला फिर मैंने सरमाया पे है बरने तबा, करबला जुरते इंकार है पेशे सुल्तान, करबला तब्र पे है दरबते आवाज़े अदा, फिक्रे अफसोस यहां काश नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। करबला कभी ताज और शाही के लिए नहीं है बल्कि ये बताने के लिए है। यही वजह है कि काफिर शफीर नकवी नसीराबादी ने शेर कहा है, मैं फकत दावत फिक्र दे रहा हूं, मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूं इत्तेहाद बरकरार रहे, मैं हमेशा हाथ जोड़ कर यह कहता हूं कि ऐसे मतनाज़े जुमले में कहे जाएं कि जिससे समाज में बेचैनियां पैदा हो, लेकिन समाज के अच्छे लोगों में अपने मुकदमात रखना समाज पर इत्मीनान की दलील होता है। कासिम शब्बीर नकवी नसीराबादी उन्होंने कहा, जब तसादुम हो इमामत से मलुकियत का, जब तसादुम हो इमामत से मलुकियत का, इज्तिहादी गलती कह के न डाला जाए। अगर ये दो शहजादों की जंग थी तो ये इश्तिहादी गलती का मसला आया कहां से? इससे जब वादे होता है कि दुनिया इस पर गौर करे और फिक्र करे। एक बात और कि अगर दो शहजादों की जंग थी तो दबीर सीतापुरी ने बहुत बड़ा चैलेंज किया है और वो चैलेंज में दो मित्रों में तुमके बात मुख्तसर कर ली, दो मित्रों में अभी से फैसला कर लीजिएगा। उनके दो मित्र में तमहीदन पढ़ देता हूं कि रमे हुसैन हर एक शहर हर दयार गया, जहां ना कारवां पहुंचा वहां गोवाल गया, और फिर कहते हैं ये करबला है अगर जंग, ये करबला है अगर जंग। पर बहुत ही अहम तरीन ये कोशा जो है मैं पेश करने जा रहा हूं ताकि दो शहजादों की जंग वाला मसला, ये बहुत पहले से कोशिश की गई, जनाबे हाशिम बरसे नुमैया भी वहां भी यही पेश करने की कोशिश की गई, और उसके बाद यहां भी वही मसला आया, जनाबे अबू तालिब बरसे वहां भी वही बात आई, फिर करबला ले आए। मैंने एक जगह यह बात कही थी कि मौलिक को अगर इबलीस ने खुद ना कह दिया होता कि मैं आग से बना हूं आदम मिट्टी से, तो शायद वहां भी कह देता कि दोनों के आपस में शहजादी या शहनशाही का तसादुम था। ये न कहा करें, वो तो इबलीस ने कह दिया मैं आग से हूं, बता दिया कि नौ ही अलग है। तो क्या कहा तमीर सीतापुरी ने, यह करबला है अगर जंग शहजादों की, ये करबला है अगर जंग शहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन आ गया। ये करबला है अगर जंग शहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन आ गया। है किसी मुसलमान में दम के हुसैन का हारना लिख दे? यही पर तो आके हुसैन ने बताया है कि शहजादों की जंग होती तो मामला करबला में खत्म हो जाता। इस पोर पर्सन बनकर के हुसैन की पहन गई है बने हुए हाथों से और दरबार यजीद को उलट कर, यजीद जो सामने दरबार में है, नबी की ये नवासी हुसैन की पहन जो नारी शक्ति का
एक ऐसा प्रतीक बन करके भारतीय सभ्यता में हम पेश कर सकते हैं कि नारी शक्ति क्या है। जनाबे जैनब ने बताया कि हाथों से कहीं पर भी किसी बातिल का विनाश करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना और है, लेकिन एक बड़े दरबार में अपनी बातों से दरबार उलटना यह जैनब का काम है। मैं शायद मेरी तस्वीर के दरमियान सारे इंतजाम हो रहे हैं, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि मेरी तस्वीर जो है इंतजामिया का एक हिस्सा, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं। तो बहरहाल ये जनाबे जैनब ने किया। जानते हो वहां क्या हुआ? दरबार में जब करबला में इमाम हुसैन का बलिदान हो चुका, आपने शहादत दी और सरकार मेरे हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी उन्होंने जब दांडी यात्रा के लिए मार्च करने के लिए परिजनों को चुनना शुरू किया तो 72 लोगों को गांधी जी ने भी चुना था। जब लोगों ने पूछा बापू ये क्यों, कहा मेरा रास्ता हिंसा का रास्ता है। और मैंने इतिहास में पढ़ा है कि करबला में इमाम हुसैन ने जो बलिदान दिया वो अहिंसा के रास्ते से दिया, और यजीद से अपना इस्लाम बचा के लाए। जब अहिंसा का रास्ता यजीद से इस्लाम बचा सकता है तो वही अहिंसा का रास्ता अंग्रेजों से भारत बचाएगा। गुफ्तगू करना चाहता हूं, यदि यही बात इमाम हुसैन की शहादत पर खत्म नहीं हो गई, उनके खेमे जलाए गए, उनके अस्बाब लूटे गए, उनके लाशें पामाल कर दिए गए और उसके बाद उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, मुखदरात इस्मत को फतेह गर्दन रस्सियां बांध कर पैदल मुसलसल काफिला यजीद तक लाया गया शाम में, और शाम के दरबार में जब पेशी हुई है कैदी बना के लाए तो यजीद ने वहां परिचय के बीच जब तमाम बीबियां सामने आई, यजीद वहां से हाथ उठा के कहता मन हाजही मुकब्बिरा मुतकब्बिरा, ये मगरूर बीबी कौन है? तब वहां पर अली की ये बेटी नबी की नवासी ने कहा यजीद यमनत फलाका, हमारे आजाद किए हुओं के बेटे। ये जुमला तारीख में सब्त है खुदा की कसम, यमनत फलाका हमारे आजाद किए हुओं के बेटे, इसे कौन निकाल सकता है तारीख से, जब जब तारीखें शाम दोहराई जाएगी। जनाबे जैनब का यह जुमला फतेह मक्का तक पहुंचेगा कि जब मुस्तफा ने मक्का फतह किया है उस वक्त किन लोगों को आजाद मुस्तफा ने किया था और तारीख ने किसकी पेशानी पर इज्जत तलका लिखा है। 19 तलका में से एक बेटा यहाँ यजीद है, और उसे जनाबे जैनब ने दोहरा करके बताया कि कोई तारीख कभी तो शहजादों की जंग न लिखने पाए, इसलिए अली की बेटी यहाँ दरबार में बता रही है कि ये तलका का बेटा है हुसैन मुस्तफा का बेटा है। यही जुमले मैं पहुंचाना चाहता हूं, और इसलिए नहीं खुदा की कसम कि मैं किसी और के लिए किसी तरह से, बस हकायक को पहुंचाना मैं हमेशा तलाश रहता हूं। इत्तेहादी हम आहंगी के लिए तमाम आलम इस्लाम और आलम इंसानियत में मामला बना रहे, ऐसा बना रहे कि हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी वो धरती, वो समाज, वो समाजी इंसाफ, ये सारी चीजें कायम रहे। यानी हर कोई अपने अपने तौर से प्रोग्राम मुनक्किद करता है, लेकिन हुसैन जी के इनकार का मकसद यह है कि करबला की आइडियोलॉजी हुसैनियत, इसके जरिए से हम इंसानियत तक पैगाम पहुंचाएं कि आज पढ़ी लिखी दुनिया हर जाने को तवज्जो हो रही है कि कहां से क्या अच्छा मिल जाए, लेकिन जब हम करबला उठा के रख देते हैं तो करबला उस अजीम शान आइडियोलॉजी का नाम है जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत को जीने का सलीका सिखाती है। और जब भी कुर्बानियां दी जाती हैं तो सबको साथ दिया जाता है। आज हम में जज्बा कुर्बानी के उभरने का है, वो कुर्बानी नहीं जो बकरे की जाए, वो तो इश्तियारा है, वो तो एक इशारा है। बकरे की कुर्बानी एक इश्तियारा है, एक इशारा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा अकबाल जैसे स्कॉलर ने भी कहा था कि गरीब और सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, ताकि दुनिया समझ ले कि कुर्बानी बकरे की कुर्बानी की इब्तिदा जहां से होती है वो हुसैन की कुर्बानी पे आगे तमाम होती है। वो ख्वाब था ये तारीर है, क्या तकाबुल हो खलीलुल्लाह का शब्बीर से, ख्वाब अफजल हो नहीं सकता कभी ताबीर से, क्या तकाबुल हो खलीलुल्लाह का शब्बीर से, ख्वाब अफजल हो नहीं सकता कभी ताबीर से। आपने काबा बनाया आगे दमदम से खलील, आपने काबा बनाया आगे दमदम से खलील, करबला तामीर कर दी फातिमा ने शीर से, नबी की बेटी ने अपने दूर
थी महेंद्र सिंह बेदी हमारे हिंदुस्तानी समाज में सिख बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन उर्दू लिटरेचर के बहुत बड़े शायर जो भी मौजूद है महेंद्र सिंह बेदी जी, उन्होंने इसी नबी की बेटी की तरफ अपनी जमीन नियाज झुकाते हुए मुस्तफा को आवाज दी, ए जमीन मुस्तफा ये तो बता, ए जमीन मुस्तफा ये तो बता कितने सजदों का सिला है फातिमा। ए जमीन मुस्तफा ये तो बता कितने सजदों का सिला है फातिमा। जाहिर है कि मेरे पास वक्त भी नहीं है, अपराध ही हमारे मौजूद शरीफ में तो समा खराशी के लिए बीच में हाजिर हुआ था ताकि आमादा हो जाए, इसलिए कि जब तक खराशी ना हो हलचलता नहीं, जब तक हलचल के जमीन हमवार ना हो तब तक तुहमरेजी बेमाना होती है। तुहमरेजी उसी वक्त होती है जब समा खराशी होती है और वो इंशाल्लाह मेरे बाद होगी। मौलाना इफ्तिखार माजिद साहब हमेशा के अपनी तकरीर के विनर की हैसियत से यहाँ जाने जाते हैं, उनसे आप इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं अपना वक्त उन्हें तब्दील कर रहा हूँ और आखिर में एक बार फिर हुसैनी यूनिटी मिशन के लोगों को जो है वो मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि उन्होंने हुसैनियत के जरिए हुसैन डे को इनकार करके बताया। एक आखिर में चार मिसरे और भी हमारे हिंदू शायर वो भी हैं जो रमेश महेश सिंह जी हैं, यही रहते हैं हमारे हैरानी रोड पर। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू होके भी करता हूं मातम, मैं हिंदू होके भी करता हूं मातम। ये इंसानियत की आला शान होती है कि जहां पर इंसान आला अकदार को समझ ले, इंसानियत नवाजी को समझ ले, वहां आकर के अगर उस तरीके में शामिल होता है तो ये बशरियत और इंसानियत की मेराज होती है। लिहाजा महेश सिंह ने कहा मैं हिंदू होके भी करता हूं मातम, नबी की आल को शिकवा नहीं है। मैं हिंदू होके भी करता हूं मातम, नबी की याद को शिकवा नहीं है। मेरे माथे की सुर्खी पर न जाओ, तिलक है फोन का थप्पा नहीं है। बस यही एक फिक्र है कि अब आपको अख्तियार है कि या तो नबी के नवासे को मुसलमान समझकर और इस्लाम का इमाम समझकर सलाम करें या उसकी कुर्बानियों को भुलाकर जिसे चाहे शहजादा कह के सलाम कर लें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर और इन दिनों अपनी कारकर्दगी से मुस्लिम समाज में एक अच्छी छवि पैदा करने वाले, अच्छे समाज को डेवलप करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले जनाब शिव शंकर मुंडे साहब, जनाब बदी जमा साहब, मेरे दोस्त दयाल अर्शद साहब, मौलाना साहब चिंगारी बाबा और मंच पर मौजूद बहुत मौजूद शख्सियात, ये मेरे खुशनसीबी है कि मुझे नश्तर मालकी साहब ने आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नवाज़े रसूल इमाम हुसैन पर चंद अल्फाज कहने की इजाज़त दी है। दोस्तों मुझे हैरानी है कि जब भी कहीं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से कोई तकरीर मैंने सुनी है तो उसका मरकज हमेशा करबला रहा है। मुझे हैरानी है इस बात पर कि हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत को करबला से इतना मजबूत, इतना जोड़ दिया गया, इतना मंसूब कर दिया गया कि ये वाकई जो है कभी कभी मुझे इस मामले में माफ कीजिएगा ज्यादती नजर आती है। हजरत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम दामाद रसूल हजरत अली का कौल है कि सुनिए फिर आप देखिए कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत को सिर्फ करबला से मरबूत कर देना जायज है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत उसकी जन्नत की लालच में नहीं करता कि यह तिजारत है, मैं अल्लाह की इबादत उसकी जन्नत की लालच में नहीं करता कि यह तिजारत है, मैं उसकी इबादत
इसलिए भी नहीं करता, जहन्नम के खौफ से भी नहीं करता कि ये तो गुलामी है। मैं अल्लाह की इबादत सिर्फ इसलिए करता हूं कि वो वाकई इबादत के लायक है, कि अगर वो जन्नत बनाता ना बनाता, जहन्नम बनाता ना बनाता, तो भी क्या उसकी रबूबियत उसकी शान कम हो जाती। जिसकी निगाह में अल्लाह की शान हो उसके लिए जन्नत या जहन्नम अहमियत नहीं रखती। तो क्या करबला ना होता तो हुसैन की अहमियत कम हो जाती? क्या करबला ना होता तो शान हुसैन कम हो जाती? बल्कि ये तो एक ऐसा एक यादगार वाकया है कि जिसने हुसैन की शान को और बढ़ाया है, वरना हुसैन की शान यकीन जानिए कि सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल ही बयान कर सकता है, बाकी किसी की मजा नहीं। इमाम हुसैन पर कुछ कहने से पहले चूंकि जिक्र अली निकला, एक प्यारा शेर नजर करता हूं। उम्मीद है कि शायद इससे पहले मैंने तो कभी नहीं पढ़ा था, और जब से पढ़ा है आज तक झूम रहा है। हज़रत अली मुश्किल कुशा के बारे में शायद को अल्लाह और बुलंद मकाम अदा करे अगर जिंदा है, और न हो तो अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। कहता है, या अली कहने से पहले मैं बहुत मुश्किल में था, या अली कहने से पहले मैं बहुत मुश्किल में था, अरे मुश्किलें मुश्किल में है अब या अली कहने के बाद। मुश्किलें परेशान है कि ये किस जवाब पहुंच गई। परेशान है कि किसको छेड़ दिया, ये अली का चाहने वाला है। बात अली पे चली है, मुंडे सर अली की स्पेलिंग क्या है, आइए देखिए अली एकता का पैगाम कैसे दे रहे थे। हुसैन पर आते इंशाल्लाह। ALI और साहब राम की स्पेलिंग क्या है, RAM। आप दिवाली लिखिए, IW निकाल दीजिए, अली वहां मौजूद है। आप रमजान लिखिए, ZAN निकाल दीजिए, राम वहां मौजूद है। मैंने कहा है शेर कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान में। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान में। अरे देखो कैसा प्यारा मिलन है अपने हिंदुस्तान। पहले के मैंने जैसा बताया कि बल्कि आज साहब ने भी कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं, हुसैन की दिल में पाले बैठे हैं, ये अल्लाह और आले रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए। वरना अभी मैंने हजरत अली का जिक्र किया, हजरत फातिमतुज़्ज़हरा के बारे में एक मुद्दा बताऊं और फिर आप खुद अंदाजा कर लेंगे हुसैन कौन है। एक हदीस पाक है, गौर से सुनिएगा, ये नुक्ते आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये किताबों के नहीं है, ये बुजुर्गों के पैर दाबने से जो हासिल होता है इल्म, वो बयान कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी किताब में कहीं पढ़ा हो तो बताइएगा। एक हदीस पाक है कि जो चाहता हो कि अल्लाह की रहमत उसके घर में आए तो वो ये दुआ करे कि अल्लाह उसके घर में पहली बेटी अता करे। सुनिएगा, तीन पॉइंट बताऊंगा, तीनों की कड़ी जोड़िएगा, उसके बाद आप इंशाल्लाह नारे लगाएंगे। एक हदीस पाक की ज़हन में रखी आपने, अब दूसरी बात यह कि दुनिया में इंसान की सबसे बेहतरीन मददगार उसकी बीवी होती है,
वो माँ चली जाए दुनिया से, बच्चे चले जाएं शादी करके, एक बीवी एक ऐसा साथी होती है जो आखिर वक्त तक अपने शौहर का ख्याल रखती है, उसकी मदद करती है। दूसरा नुकता। तीसरी बात, माँ के कदमों तले जन्नत होती है। बात ध्यान में रखिए, जो ये चाहे कि उसके घर अल्लाह की रहमत आए, वो दुआ करे कि अल्लाह उसके घर में पहले नेकी अता करे। शौहर की बेहतरीन मददगार उसकी बीवी होती है। और तीसरी बात, माँ के कदमों तले जन्नत होती है। नश्ता साहब तवज्जो चाहूंगा, पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमत मुस्लिमीन में रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हक है, ईमान है, ईमान है। अरे तो खुदा की कसम, क्या ये ईमान नहीं है कि उस रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बनाकर जो भेजी गई वो फातिमा है। सारी दुनिया मुसलमान जाने दीजिए, आपने फिल्मों में भी जो है अमिताभ बच्चन को अली अली की नारे लगाते देखा है। सारी दुनिया अली को मुश्किल कुशा मानती है, ये मेरा ईमान है। आपका हमारा तो है, सारी दुनिया का ईमान है कि अली मुश्किल कुशा है, अली मुश्किल कुशा है, अली मुश्किल कुशा है। उस मुश्किल कुशा की मुश्किल हल करने वाली कोई है तो वो फातिमा है। माँ के कदमों तले जन्नत है, तुम्हारी जन्नत है, मेरी जन्नत है। अरे जन्नत का सरदार कौन है? अरे साहब यहां से और नुकता समझे कि मैंने हदीसे पाक में जब पढ़ा कि अल्लाह ताला के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हुए। अरे भाई को यह तो बताए कि जन्नत में बुरा कौन होगा? जन्नत में बुरा कौन होगा? जवानों के सरदार कहकर कह दिया कि वो मेरे भी सरदार होंगे जब मैं भी जवान हूंगा। हसन और हुसैन जन्नत में हर जन्नती के सरदार होंगे, और उन सरदारों की जन्नत किसी के कदमों में है तो वह है फातिमा। Yeah!
हुसैन है जिनकी मोहब्बत जन्नत की जामिन हो गई, अल्लाह इस मोहब्बत के साथ उठा ले, कोई फिक्र की बात नहीं, ये हमारा ईमान है। आखिर में एक पते के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। यारो बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, यारो बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सनिया हुसैन की है जमाना। मिटाने वाले मैं यहां पर
एक बार सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैदाने करबला में जो जंग हुई, एक तरफ इमाम हुसैन है और एक तरफ इमाम हुसैन के साथ में जो काफिला है नूरानी काफिला एक तरफ, और उनके मध्य मुकाबले 22,000 का लश्कर चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नवाजे कौन फरसंदे बकौल इमाम अली मकाम के मुकाबले में वो जो कौम थी, क्या वो ब्राह्मण थी, क्या वो पंडित थी, क्या वो बुद्ध की पूजा करने वाली थी, क्या वो ईसाई थी, क्या वो यहूदी थी, वो कौम के बुद्धिस्ट थे, किस कौम के लोग थे, वो भी हम भी आपको कहते थे हम मुसलमान हैं। जो नवाजे रसूल का गला काटने के लिए आए थे वही कह रहे थे हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नमाजी हैं, हम हाजी हैं, हम इस्लाम पर चलने वाले हैं, हम रोजादार हैं। क्या कहोगे उन्हें जो इमाम हुसैन के मुकाबले में खड़े हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, नमाजी होने का भी दावा करते हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, रसूल पर कलमा पढ़ रहे हैं, उसी रसूल के बेटी के बेटे, बहुत दूर अरब का जमाना नहीं गुजरा है, वही नवाजे रसूल के खून के चाहते हैं, बताओ तो उस जंग का नाम क्या लोगे, उस जंग का नाम यही है कि मैदाने करबला में जो जंग हुई है वो किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं, किसी बुद्धिस्ट के साथ नहीं, किसी और मजहब वाले के साथ नहीं, बल्कि नबी का कलमा पढ़ने वाले जो नबी से गद्दारी कर चुके थे, आतिन का साथ बने हुए थे, जिनके सीने में नबी और आले नबी की मोहब्बत नहीं थी, जिनका ईमान गले के नीचे नहीं उतरा था, इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में साबित करके दिखा करके रहती दुनिया तक ये बता दिया कि सिर्फ दाढ़ी रख लेने से भरोसा ना कर लेना, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से भरोसा ना कर लेना, सिर्फ माथे पर टीका लगा लेने से भरोसा ना कर लेना, सिर्फ लंबे कुर्ते पहन करके ऊंची टोपियां लगा करके और आजकल तो लोग टाई भी लगा के करते हैं, कोई इस पर भरोसा न कर लेना, बल्कि ये देखना जरूर कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के आखिरी खुतबे में जो पहले कर दिया था उस बात को ध्यान में रख लेना कि मेरे नबी ने फरमा दिया था, ऐ लोगों तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है और मेरे खानदान वाले हैं, तो ये देखना जरूरी है कि उस नमाजी के सीने में इमाम हुसैन की मोहब्बत है या नहीं। तो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जनाते कदमी दिखा करके अपने अहलो आयाल को कुर्बान करके इस्लाम की अम्मत को बचा लिया है और ऐसी दुनिया तक ये लोगों को समझा दिया है कि जिसके सीने में नबी और आले नबी की मोहब्बत होगी वही मोमिन और मुसलमान है और वही हुसैनी है, और जिसके सीने में मोहब्बत रसूल नहीं है वो यजीदी है, वो नाम का मुसलमान है।
आज जो लड़ाई में लड़ रही है, आज हमारे हिंदुस्तान में भी लड़ाई, बिरसा भागा जो फसादात होते हैं एक दूसरे से लड़ाई होती है, आप ये ना समझ लीजिए कि ये हिंदू मुस्लिम का राइट हो गया है, बल्कि ये हुसैनी और यजीदी का राइट हुआ है। आज की जो राइट है ये हिंदू मुस्लिम राइट नहीं, मुस्लिम और ईसाइयों की लड़ाई नहीं, शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं, बल्कि आज पूरी दुनिया के अंदर अगर लड़ाई हो रही है तो हुसैनी और यजीदी की लड़ाई है, मजा जब है कि दिल बोले
पहली आन वाले हैं, जबान से कह तो देते हैं कि हम ईमान वाले हैं। मजा जब है कि दिल बोले हुसैनी आन वाले हैं, जबान से कह तो देते हैं कि हम ईमान वाले हैं। और जिन्हें रब पर मोहम्मद मोहम्मद पर यकीन हो शाह करबल पर, तो जो चाहता हूं मैं कि जिन्हें रब पर मोहम्मद पर यकीन हो शाह करबल पर, वो हिंदू हो कि वो सिख हो, सभी ईमान वाले हैं। वो हिंदू हो कि सिख हो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये एक सिख यहां बैठे हुए तो फरमाए, नहीं, मैं ये हकीकत कह रहा हूं कि वो हिंदू हो कि वो सिख हो, सभी ईमान वाले हैं। क्यों, उसकी वजह भी बयान करता हूं, ये बोले या ना बोले पर हकीकत जानते हैं सब, ये बोले या ना बोले पर हकीकत जानते हैं सब, कि ये भी आंख रखते हैं कि ये भी कान वाले हैं, ये भी आंख रखते हैं कि ये भी कान वाले हैं। और दो शेर के मोहब्बत में, दियानत में, इबादत और शहादत में, मोहब्बत में, दियानत में, इबादत और शहादत में हुसैन अपनी इमामत में निराली शान वाले हैं। हुसैन अपनी इमामत में निराली शान वाले हैं, और मकामाते शहादत की बुलंदी पर जो फाइज है, मकामाते शहादत की बुलंदी पर जो फाइज है, ये अहले बैत ही तो असल में कुरान वाले हैं। बुझा के अपने चरागों को रोज़े आशूरा, चरागे दीन मोहम्मद जला रहे हैं हुसैन। बुझा के अपने चरागों को रोज़े आशूरा, बुझा के अपने चिरागों को रोज़े आशूरा, चरागे दीन मोहम्मद जला रहे हैं हुसैन। और किया था रब ने तलब एक सरे हुसैन मगर, तुम कुर्बानी हो, कि किया था रब ने तलब एक सरे हुसैन मगर, किया था रब ने तलब एक सरे हुसैन मगर, शहादतों का मदीना बसा गए हुसैन। बुझा के अपने चरागों को रोज़े आशूरा, चरागे दीन मोहम्मद जला गए हुसैन। किया था रब ने तलब एक सरे हुसैन मगर, चरागे दीन शहादतों का मदीना बसा गए हुसैन। कहूंगा कुछ कहने से पहले आइए हम सुनते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से दुनिया के अजीम स्कॉलर, दुनिया के बड़े लीडरान में से चंद लोगों ने बहुत ही अजीम बातें कही है, और मैं समझता हूं जिसको अल्लाह ने शऊर अता फरमाया, ऐसा कोई शख्स दुनिया में नहीं है जिसने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अपने दिल की बात न भेजी हो। हमारे मुल्क के जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा है कि इफ इंडिया वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल नेशन, इट मस्ट फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। इस के लिए गांधी जी ने अगर ये जुमला कहा है तो मैं समझता हूं कि कलमा गो ईमान वालों का फर्ज बनता है कि इस मुल्क को उस रूस से पहुंचाए कि दुनिया याद करे कि यहां के लोग वाकई हुसैनी किरदार वाले हैं।
मैं इस बात को आइंदा बात करूंगा, उससे पहले मेरे दोस्त बैठे हैं इसके अवजय साहब, मैं ये कहना चाहूंगा इस स्टेज से कि एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे रूप में पैदा हुई है, जिन्हें दुनिया गुरु नानक के नाम से याद करती है। वो अजीम शख्स जो शायद खाने काबा की दहर ले गए थे, उनकी एक किताब है जिसका नाम है गुरु का ज्ञान। गुरु का ज्ञान की किताब में उन्होंने लिखा है कि एक मतलब उन्होंने अपने एक शागिर्द से कहा कि हुसैन का दम मनाया करो। शागिर्द ने बड़ी हैरानी से पूछा कि हुसैन तो मुसलमानों की पेशवा है, तो गुरु नानक जी ने मुस्कुरा कर कहा जा अपनी बहन से शादी कर ली। तो तसव्वुर कीजिए कितनी नाराजगी बात। उनका जो शागिर्द हैरान परेशान कहने लगा कि मेरा जमीन गवाह नहीं करेगा। गुरु नानक जी ने कहा कह रहे मोट उसी जमीन को तो उसे कहते हैं। करबले का वाक्य की तरफ से बहुत ही मौजूद मेहमानों ने आज बयान किया है, करबला हक और बातिल की जंग है बस, और जो हक वाले हैं एक तरफ आ जाए और जो बातिल वाले एक तरफ आ जाए। अगर हम हुसैन की जाने वाले हैं तो हमें हक की जाने वाला पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा कि इस दुनिया को जिसने अल्लाह ने सजाया है उस बातिल के जाने वालों में जो दुनिया को जहन्नम बनाना चाहते हैं ऐसे कौन लोगों को इतराज किया जाए। करबला से हमें सबक मिलता है कि चाहे हम तादाद में कम ही जुड़ा हो